उस रात भक्षानर का तो अंत हो गया था, पर उसके वंश का नहीं। जब भक्षानर का अंत हो गया तो उसके जो वंशज थे उनका मकसद भक्षानर के सपने को साकार करने का बन गया। न भक्षानर के वंश का सपना बदला था, न ही किसी एक के अंदर की भी हवस बदली थी। जिस तरह सबका मकसद ब्रह्मांड पर राज करना था, उसी तरह बाकी सबकी कमजोरी भी यक्षिणी ही थी। जब भी किसी भक्षानर को यक्षिणी की सौंदर्यता के बारे में पता चलता तो उसके अंदर की हवस जाग जाती। वो यक्षिणी को पाना चाहता, उसके साथ सोना चाहता, उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहता था। ये हवस ही थी जो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात तक किसी न किसी एक भक्षानर को किश्नोई नदी के पास खींच ले आती। उन भक्षानरों को वहाँ किश्नोई नदी के घाट पर यक्षिणी तो मिलती थी और वो उसके साथ संभोग भी करते, पर उनमें से कोई भी भक्षानर यक्षिणी की हवस नहीं बुझा पाता था और यक्षिणी उन भक्षानरों को मार डाला करती। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। वो चित्रा की तरफ देखने लग जाती है। तुम जानती हो चित्रा बेटी, क्यों कोई भी भक्षानर यक्षिणी की हवस नहीं बुझा पा रहा था? दयंतिका की ये बात कहते ही चित्रा फिर अपने सीधे हाथ की उंगलियां हिलाने लग जाती है। इस बार दयंतिका की चित्रा की उंगलियों पर नजर पड़ जाती है और ये देखकर दयंतिका बौरा जाती है। वो समझ जाती है कि चित्रा होश में थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। दयंतिका फिर बोल पड़ती है, ऐसा इसलिए हो रहा था चित्रा बेटी क्योंकि भक्षानर के जाने के बाद उसके वंशज कमजोर पड़ने लग गए थे। उसके वंशज उतने ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं थे जितना ज्यादा भक्षानर था। यही कारण था कि कोई भी भक्षानर यक्षिणी की हवस को शांत नहीं कर पा रहा था। सदियों तक यही चलता रहा। कई सारे भक्षानर आए और यक्षिणी का शिकार बनकर रह गए। एक एक करके भक्षानर के वंश का अंत होते जा रहा था, पर ना कोई भक्षानर का वंशज भक्षानर के सपने को साकार कर पा रहा था, ना ही यक्षिणी के हवस को बुझा पा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी लोक पर बस एक भक्षानर बचा हुआ था और उसी भक्षानर के कारण मैं यक्षिणी की कहानी का एक हिस्सा बन पाई, उस कहानी का एक पात्र बन पाई। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। दयंतिका एक लंबी आह भरने के साथ ही फिर बोल पड़ती है, वो एक आखिरी भक्षानर ही था जिसने इस कहानी की एक नई शुरुआत की, एक नया मोड़ दिया कहानी को। वो आखिरी बचा हुआ भक्षानर शक्तिशाली भले ही ना हो, पर शातिर बहुत था। उसके इसी शातिर दिमाग के कारण वो यक्षिणी के जाल में नहीं फंसा। उसने यक्षिणी की तरफ देखा तक नहीं क्योंकि उसका मकसद था भक्षानर के सपने को सच करना। और वो ये बात अच्छे से जानता था कि जब तक वो शक्तिशाली नहीं हो जाता, अपनी खोई हुई शक्तियां नहीं पा जाता, वो भक्षानर के सपने को साकार नहीं कर सकता था। उस भक्षानर ने सालों तक अपने आप को शक्तिशाली करने की हर कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। पर कहते हैं ना, हर समस्या का समाधान जरूर होता है, बस हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। और उस भक्षानर को भी उसका समाधान मिल ही गया, जिससे वो अपने आप को शक्तिशाली बना सकता था और समस्त ब्रह्मांड पर राज कर सकता था। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। निशाच फर्श पर ही अपने नाखूनों से खरोचते हुए वहां पर कुछ बना रहा था। जब वो नाखूनों से फर्श पर खरोच रहा था तो उसके खरोचने की आवाज हो रही थी। उसी कारण एक पल के लिए दयंतिका का ध्यान वहां पर चले जाता है। दयंतिका निशाच पर से अपना ध्यान हटाते हुए वापस से चित्रा की तरफ देखते हुए बोल पड़ती है, अपने मकसद को कामयाब करने के लिए भक्षानर को एक स्वादायन की जरूरत थी और उसी की तलाश में वो पंचम गांव आया था, क्योंकि उस वक्त पंचम गांव स्वादायनों से भरा हुआ था। पंचम गांव सिर्फ स्वादायनों से ही नहीं भरा हुआ था, वहां पर कई सारी डायनी चुड़ैल पिशाच भी रहा करते थे, पर इंसानी रूप में, क्योंकि वो गांव इंसानों का बसेरा था। सदियों पहले जब महाडायन ने इंसानों के शिकार करने के दिन तय किए थे, उस वक्त उनकी बातों से सब डायनी इतना तो समझ गई थी कि अगर हमें पृथ्वी लोक पर अपना अस्तित्व सालों तक बनाए रखना है तो हमें इंसानों के तौर तरीके, उनका रहन सहन सीखना होगा, तभी हम उनके साथ रह पाएंगे और उनके साथ रहकर जरूरत पड़ने पर उनका शिकार कर पाएंगे। यही कारण था कि हम डायनों ने इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया था और हमारी देखा देखी ही बाकी के चुड़ैलों पिशाच शाकिनी ने भी इंसानों के साथ रहना सीख लिया था। मैं और तुम्हारे पिता निशाच पंचम गांव में ही रहा करते थे। वहीं पर हमारा एक छोटा सा घर था, पूरा गांव खुशहाल था। इंसान चुड़ैल डायन पिशाच सब खुश थे, पर दुखी थे तो मैं और तुम्हारे पिता, क्योंकि कई बार हमें उन इंसानों को अपना शिकार बनाना पड़ता था जो हमारे दोस्त थे, जिन्होंने हमारी मदद की थी, पर उनका शिकार करना हमारी मजबूरी बन जाया करती थी। इसी बात से तुम्हारे पिता और मैं अपने आप से खफा थे। हमें खुद पर घिन आती थी कि हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, कैसे अपने जीने के लिए उन लोगों को मार सकते हैं जो इतने अच्छे इंसान हैं। पर हम जानते थे कि हम एक ऐसी काली दुनिया से आए थे जहां से बाहर जाना नामुमकिन था। हमें उन्हीं के साथ वैसी ही हालत में जीना होगा।
दयंतिका एक लंबी आह भरने के बाद फिर बोल पड़ती है। जब वो भक्षानर पंचम गांव में आया था तो एक आम इंसान बनकर आया था। किसी को भी पता ही नहीं चला था कि वो भक्षानर का वंशज है, एक ऐसा अंश जो सबका अस्तित्व खत्म कर सकता है। हम सब डायनो, पिशाच और चुड़ैलों को तो यही लगता था कि भक्षानर के वंश का अंत हो चुका है, अब कोई भी भक्षानर बचा हुआ नहीं है। उस भक्षानर ने गांव में आते से ही एक स्वादायन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, क्योंकि अपने मकसद को कामयाब करने के लिए उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो काला जादूगर टोना टोटका कर सकता हो, और स्वादायनों से अच्छा टोना टोटका कोई नहीं कर सकता। उस भक्षानर ने उस स्वादायन को कुछ इस कदर फंसाया था कि वो उससे अटूट प्रेम करने लग गई थी और उन दोनों ने शादी कर ली थी। वो भक्षानर चाहता था कि वो स्वादायन पूरी तरह अपने तन को ही नहीं बल्कि मन को भी उसे सौंप दे, इसलिए शादी करने से पहले उस भक्षानर ने उस स्वादायन को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि वो किस मकसद के साथ वहां पर आया था, और साथ ही ये भी कि वो एक भक्षानर है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी उस स्वादायन ने उस भक्षानर से शादी कर ली, क्योंकि वो स्वादायन उस भक्षानर के प्यार में इस तरह डूब चुकी थी कि उसे नहीं पता था कि सही क्या था और गलत क्या। एक प्रकार से वो अंधी हो चुकी थी, और जो लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं वो सही गलत कुछ नहीं देखते हैं, उनके लिए उनका प्यार ही सब कुछ होता है। अपने प्यार के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी को मारने के लिए भी। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। दयंतिका कुछ याद करते हुए फिर बोल पड़ती है, मुझे वो पल आज भी याद है जब उस भक्षानर ने इंसानी रूप में उस स्वादायन के साथ पंचम गांव में रहना शुरू कर दिया था। वो दोनों ही विवाह के बंधन में बंध चुके थे और एक पति पत्नी की तरह वहीं पर रहा करते थे। उनका जो घर था वो हमारे घर के सामने ही था। वो स्वादायन तो मेरी अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी, उनकी तरह ही मैं और निशाज भी इंसानों से अपनी पहचान छुपा कर इंसानी रूप में पंचम गांव में रहा करते थे। सब ठीक चल रहा था, पर अचानक से गांव में एक ऐसी घटना होने लगी जिसने सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हम डायनो चुड़ैलों के दिल को भी दहला कर रख दिया था। इतना कहकर दयंतिका चुप हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल को याद करने में आज भी उसकी रूह कांप रही हो। दयंतिका हिम्मत करके धीरे धीरे कहती है, गांव में जो भी औरत गर्भवती हो रही थी उसका बच्चा उसके पेट में ही मर रहा था। कोई औरत अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दे पा रही थी, और ये सिर्फ आम औरतों के साथ नहीं हो रहा था बल्कि डायनो और चुड़ैलों के साथ भी हो रहा था। जब भी कोई औरत गर्भवती होती तो उसका बच्चा 5-6 महीने तक तो उसके पेट में रहता, पर प्रसव अवस्था तक पहुंचने से पहले ही उस औरत का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता। पूरे गांव में किसी के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा था, कोई भी बच्चा जन्म क्यों नहीं ले पा रहा था। गांव में ऐसा 1 साल नहीं बल्कि पूरे 9 साल तक चलता रहा। 9 साल तक पूरे पंचम गांव में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। गांव वालों को तो ये लगने लग गया था कि गांव पर किसी बुरी बला का साया है, तभी कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। गांव वालों के तो कान तरस गए थे बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए। दयंतिका एक बार फिर खामोश हो जाती है। दयंतिका चित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, और एक वक्त ऐसा आया चित्रा बेटी जब मैं गर्भवती हुई। ये बात सुनकर निशाज बहुत खुश था कि वो बाप बनने वाला था। जितना ज्यादा निशाज खुश था उससे ज्यादा मैं डरी हुई थी इस बात से कि कहीं मेरी कोख का भी वही हाल ना हो जो बाकी की औरतों का हो रहा है, क्योंकि पूरे गांव में 9 साल से किसी के घर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। मेरा डर निशाज ने भांप लिया था और उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी संतान को जन्म जरूर दूंगी। वो पता लगा कर ही रहेगा कि आखिर गांव में कोई बच्चा जन्म क्यों नहीं ले पा रहा है, सब औरतों की कोख में ही उनका बच्चा कैसे मर रहा है। दयंतिका एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, वैसे तो हम डायनो चुड़ैलों पिशाच और स्वादायन सभी की समूह सभा कई बार बुलाई गई थी, पर किसी भी सभा में पता नहीं चल पाया था कि आखिर 9 सालों से ये सब कैसे हो रहा था। निशाच इस राज से पर्दा उठाने में लगा ही हुआ था कि उसे पता चला कि जिस भी औरत का गर्भ गिरा था उस पर वृषण कंटक टोना किया गया था। वृषण कंटक टोने के अनुसार एक कांटे के ऊपर टोना किया जाता था, और वो कांटा जिस भी गर्भवती महिला के पैर में चुभता था उसका गर्भ गिर जाता था। निशाज को ये तो पता चल गया था कि ये सब वृषण कंटक टोने के कारण हो रहा था, पर ये वृषण कंटक टोना कौन कर रहा था ये उसे पता नहीं चला था। दयंतिका चित्रा की तरफ एकटक देखते हुए कहती है, चित्रा बेटी तुम्हारे पिता को 3 महीने हो गए थे वृषण कंटक टोना करने वाले को ढूंढते हुए, पर उन्हें कुछ नहीं पता था, और तुम्हें भी मेरे गर्भ में रहते रहते 3 महीने हो गए थे। तुम्हारी धड़कन आ गई थी, तुम्हारा दिल धड़कना शुरू हो चुका था। अभी तुम्हारे अंदर जान आए हुए एक ही दिन बीता था कि उसी वक्त गांव में एक नई चीज हुई, एक ऐसी चीज जिसे सुनकर पूरा गांव झूम उठा था, और वो खबर ये थी कि गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया था, और वो बच्चा किसी और के घर पर नहीं बल्कि उसी स्वादायन के घर पर हुआ था जिसने एक भक्षानर से शादी की थी।
उस सौदाइन को एक लड़का हुआ था, यानी एक और भक्षानर का अंश पृथ्वी लोक पर आ गया था। दायंती का चित्रा की तरफ देखते हुए फिर कहती है, उस वक्त तक हम में से किसी को नहीं पता था कि सौदाइन का जो पति है वो भक्षानर है। हम सबको तो वो एक आम इंसान ही लगा करता था। उसने कुछ इस कदर अपनी शक्तियों को हम सबसे छुपा कर रखा हुआ था। आसपास के जो गांव थे, बंगला मुड़ा, रोंग का मुचा, वहां पर भी खबर फैल गई कि पंचम गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ है। ये खबर फैलती भी कैसे नहीं, आखिर पूरे 9 साल बाद उस गांव में किसी बच्चे ने जन्म लिया था। ये खबर सुनकर मैं तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अब मुझे भी लगने लग गया था कि मैं भी अपने बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। उसे मेरी कोख में कुछ नहीं होगा, पर निशाच कुछ परेशान था इस बात से कि आखिर इतने सालों बाद उस सौदाइन के घर ही बच्चा कैसे हो गया था। निशाच और मुझे ये बात तो पता थी कि वो औरत सौदाइन है, पर ये बात पता नहीं चली थी कि आखिर उसके ही घर बच्चा कैसे जन्मा है। निशाच और मुझे कुछ गड़बड़ लगने लग गई। मेरा घर उसके बगल में ही था और एक डायन होने की वजह से मेरे कान बहुत तेज थे। जब मैंने अपनी डायनों की शक्तियों का उपयोग किया, अपने कान लगाकर उसके घर के अंदर चल रही उसके और उसके पति के बीच की बातों को सुना, तब पता चला कि इन सबके पीछे उन दोनों का ही हाथ था। वृषण कंटक टोना उसी सौदाइन ने किया था। उसी सौदाइन के घर के आंगन में 2 बड़े से बबूल के पेड़ थे, जिसे देखने से ऐसा लगता था जैसे वो दोनों बबूल के पेड़ एक दूसरे को सहारा दे रहे हो। उसी बबूल के पेड़ का कांटा सभी गर्भवती महिलाओं के पैर में गड़ा था और उनका गर्भपात हो गया था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।